जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के खिलाफ 1,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया। कांग्रेस विधायक सिकरवार पर आरोप है कि कोर्ट से 3 बार समन भेजने पर वह कोर्ट में अपने बयान दर्ज करने के लिए मौजूद नहीं हुए। दरअसल 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल और उससे जुड़े संगठनों पर आरोप लगाए थे कि यह लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर भारत में जासूसी करते हैं। इस बयान के आधार पर भाजपा नेता और एडवोकेट अवधेश ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को अपने पक्ष में बयान देने के लिए न्यायालय से समन जारी कराए गए। वहीं समन पर 3 बार से सिकरवार बयान देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। बता दें कि अब इस मामले पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी। ये घटना 2019 की है, जब दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसकी मानहानि का प्रकरण माननीय एमपीएमएलए कोर्ट में लंबित था, जिसमें कि दिग्विजय सिंह की ओर से बचाव साक्षी के रूप में सतीश सिकरवार को बुलाने के लिए न्यायालय द्वारा 3 बार समन जारी किए गए, लेकिन वो नियत दिनांक पर नहीं उपस्थित हुए, जिसको न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और आज सतीश सिकरवार के खिलाफ 1,000 रुपये के जमानती वारंट जारी किया है आगामी दिनांक 22/1/2023 को उपस्थित होने के लिए।